नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, दिस इज़ योर होस्ट नवीन ठाकुर। और मेरे भाइयों सब बढ़िया हो? तो फ्रेंड्स, अगर आप हो एडवेंचर सीकर या हो आप ट्रैवल लवर, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में है ऐसी ही चीज़ें। तो बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट। तो फ्रेंड, जो आज की वीडियो होने वाली है, वो होने वाली है आपकी मनाली लेह हाईवे के बारे में। और जो पिछली वीडियो में थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा डाउट पूछे लोगों ने, तो उसको भी मैं थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो फ्रेंड, आजकल कोई भी मनाली आ रहा है तो उसके सिर्फ दो सवाल होते हैं, एक तो रोहतांग पास के बारे में और दूसरा मनाली ले हाईवे कब खुलेगा। तो फ्रेंड्स, ये चीजें तो मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बता दूं कि फ्रेंड, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया था, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं होता है। तो आप मेरे बारे में पर्सनली मत पूछा करो कि भाई आप हो या आपसे बात करवा दो, ऐसा कुछ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, वो कंपनी का नंबर है, केपीएल एक्सपेडिशंस का। तो आप उसमें पर्सनली सवाल पूछने के बजाय जो आपको काम है वो ज़्यादा पूछिए। फ्रेंड्स, आपको इससे पहले बताऊं मैं मनाली ले हाईवे कब खुलेगा, उससे पहले बता दूं कि रोहतांग पास एक्चुअली खुलेगा कब। तो फ्रेंड्स, अभी तक रोहतांग पास नहीं खुला है, बट वहाँ के लिए आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है, बट वो सिर्फ और सिर्फ लोकल्स के लिए है, मीन्स जो लाहौल से हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बात होगी कि टूरिस्ट को कब खुलेगा, तो अकॉर्डिंग टू सोर्स लगा है पता कि नेक्स्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली खुल जाएगा। जी हाँ, 30 के बाद कभी भी खुल सकता है रोहतांग पास। और यहाँ पे बता दूँ कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो है मौसम। जी हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई अभी खुलने वाला था फिर खुला नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या करें, मौसम का किसी को पता नहीं, नेचर का किसी को पता नहीं। जब मौसम ख़राब तो रोहतांग पास पे प्रॉब्लम्स आती हैं, लैंडस्लाइड हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आ जाती हैं। बट यहाँ पे हम हैड्स ऑफ करते हैं BRO को, जिनकी वजह से रोड जल्दी से जल्दी खुल रहे हैं। तो रोहतांग पास तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक खुल ही जाएगा। और रही बात मनाली ले हाईवे, क्या उसी टाइम खुलेगा? जी नहीं, याद रखना मनाली ले हाईवे सीधा जब रोहतांग पास खुलता है उसी टाइम नहीं खुलेगा। बट हाँ, कि उसके कम से कम भी हफ्ता 10 दिन उसको लगेंगे मनाली ले हाईवे क्लियर होने को। तो मुझे जहाँ तक सोर्सेज के अकॉर्डिंग 5 जून से पहले तो बहुत मुश्किल है, बट 5 जून तक या फिर 5 जून के बाद ही मनाली ले हाईवे खुलेगा। एक्चुअली यहाँ पे ये इम्पैक्ट सिर्फ आपको नहीं कर रहा, केपीएल एक्सपेडिशन जो हमारे हैं वो भी ग्रुप जा रहे थे 25 ऑफ मई को, वो भी लद्दाख के लिए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, हमारे जितने भी शेड्यूल थे वो सब बिगड़ गए, सब चौपट हो गए। अब हमें सब कुछ रीशेड्यूल करना पड़ रहा है। जो हमारा 25 मई को था, हमने उसको अब 12 जून को कर दिया है। जी हाँ, सोचो कितना गैप हो गया है। और अभी भी हम 5 को नहीं जा रहे, उसका भी रीज़न है कि हम जैसे ही मनाली ले हाईवे खुलता है, अगर हम उसी टाइम चले गए तो कई बार कच्चे, जहाँ पे रोड क्लियर किया जाता है तो कई बार वहाँ पे कच्चे लैंडस्लाइड रह जाते हैं, जो कि बाद में गिरते हैं। तो उस चक्कर से क्या होता है कि हमें कई बार बीच में ही 1-2 दिन और वेट करना पड़ता है, क्योंकि मनाली ले हाईवे इज़ नॉट अ ईजी जॉब। तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं इन चीज़ों में, तभी बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुकिए। अगर आप सेफ जर्नी चाहते हैं तो कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी मत कीजिए मनाली ले हाईवे के लिए, चाहे आप बाइक में जा रहे हो। और बाइक में जा रहे हो तो याद रखना, अगर रोहतांग पास में स्नो होगी, आगे 12 लाचम स्नो, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है बाइक में चलाने के एज़ कम्पेयर टू गाड़ी के लिए, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में साफ़ करते हैं तो पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाते हैं ग्लेशियर्स, और रोड्स भी उतने साफ़ नहीं होते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ की जो पतली सी चादर होती है वो लगी रहती है, और सुबह और शाम को तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है बाइक पे चलना उन रोड्स में। तो ट्राई करें थोड़ा सेफ चलें, और हो सके तो कोई बात नहीं यार, 5 से अगर 10 दिन लेट भी जाओगे तो याद रखना बर्फ़ कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि लोगों का मैक्सिमम जो इस बार मोटो होता है वो यही होता है कि भाई स्नो नहीं मिलेगी क्या अगर हम लेट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इस बार आपको स्नो रज रज के मिलेगी, ऊपर वाले ने रज रज के आपको स्नो दी है, तो स्नो की टेंशन मत लीजिए। और हाँ भाई, उस पे प्लीज़ पर्सनली मत मैसेज करना, ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है और वो KPL का है। आप उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर परमिट आपको भी चाहिए, याद रखना मैं परमिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमिट ऑनलाइन मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप टूरिज़्म की वेबसाइट से जा सकते हो, आप वहाँ से ट्राई भी कर सकते हो, मिल गया बहुत अच्छी बात है,
अगर आपके पास हाई एंड कंप्यूटर्स हैं तो मिल गया उससे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिले तो तब जाके आप केपीएल एक्सपेडिशन के उसको मैसेज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई हमें परमिट चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं भाई परमिट की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना परमिट का जो प्राइस है लगभग 550 रुपीज़ होता है, बट क्या करें उसको निकालने की जो वैल्यू लग जाती है वो तब ऊपर काफ़ी ऊपर चले जाती है, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, जितना वो परमिट निकालने वाला मांगेगा उतना देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्योंकि इसका जो मेन कारण है परमिट महंगे होने का, या फिर जो टैक्सी के रेट भी आप काफ़ी लोगों ने पूछा था कि भाई बहुत महंगा चला जा रहा है 5,000 से ऊपर जो छोटी गाड़ियों का और बाकी तो बहुत ज़्यादा है, उसका रीज़न यही है कि परमिट नहीं मिल रहे, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वही बोल रहा हूँ 400 और 800 मीन्स 800 प्लस 400 हो गया टोटल 1200, तो दिन की सिर्फ 1200 गाड़ियाँ जाती हैं और 1200 गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकती हैं 6,000 to 7,000 पीपल एट मैक्स, और जो डिमांड होती है वो लग से 10,000 से 12,000 पर डे की होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है मनाली को इस ट्रैफिक को सस्टेन करना कि कैसे इनको ऊपर पहुंचाया जाए। तो ट्राई करें कि अपना जो बुकिंग है वो पहले करें, वो ज़्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी यहाँ पे एक और अपडेट कि याद रखना भाई, जो आपका अगर खुद परमिट निकालने की ट्राई करते हो या फिर निकलवा रहे हो तो ट्राई करें 7 दिन पहले, क्योंकि आप ट्राई करेंगे कि परसों का परमिट मुझे आज चाहिए वो मिलेगा ही नहीं, या फिर 3-4 दिन बाद का नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 डेज पहले से बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आज बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है 10 बजे से, और जो पता कितने लाइफ स्पैन में सिर्फ 10 मिनट्स में वो बुकिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं मिलता, उसका मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। तो ट्राई करें बी फास्ट बी क्विक। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना, और जाते जाते यही बोलूँगा प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसमें सिर्फ यही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नहीं आती हैं, इसमें ट्रैवल वीडियोज़ एडवेंचर वीडियोज़ काफ़ी कुछ आता है फ्रेंड्स, तभी बोल रहा हूँ केपीएल एक्सपेडिशन को अभी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाओगे तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रही आपकी लेटेस्ट वीडियो की, तभी बोल रहा हूँ बेल जो घंटा है उसको दबाएँ और सब्सक्राइब करें। बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एडवेंचर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।